हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने जस्ट लगाई है मशीन, क्योंकि घर के काम जो है ना वो बहुत सारे होते हैं, सच में करते जाओ बस। तो बस काम से ही स्टार्ट हुआ है मेरा आज का व्लॉग, और बस मैंने यहाँ पे मशीन लगाई है। थोड़े बहुत कपड़े थे डेली यूज़ के, तो 2 दिन से मैंने नहीं लगाई थी मशीन, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगाते हैं सबसे पहले। जब तक मैं काम करूँगी तब तक कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। तो घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद मैं आ गई हूँ जस्ट किचन में और बना रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि मैं नमकीन जेवी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं इस ब्रांड का बॉम्बिनो करके ये ब्रांड है, इसका मैं पैकेट लेके आई थी कल रात को, और यहाँ पर मैंने कुछ चॉपिंग करके रखी है। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, मटर है, फ्रोज़न मटर है, हरा धनिया, आलू, पानी चाहिए, थोड़े से रेगुलर जो मसाले होते हैं वो मैंने सारे मसाले ले लिए। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, एकदम देसी स्टाइल। आप चाहे तो इसमें बहुत सारी वेजेस भी डाल सकते हो, लेकिन जो जैसे मैं बचपन से खाती आई हूँ वैसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसी तरह से हमेशा से बनाती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। वैसे तो ये जो जवे हैं ये रेडीमेड हैं, मैं मार्केट से लेके आई हूँ, बट ये हमारे घर पर ही बनाए जाते हैं। बट मेरे पास जो है मशीन नहीं है, इसलिए मैं घर पर नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मम्मी से पक्का लेकर के आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया गैस पे, और ये जो जवे हैं इन्हें मैं निकाल दूँगी। तो ये जो आधा केजी का पैकेट है तो मैं इसमें से थोड़े से ही निकाल रही हूँ, मतलब एक कटोरी बनाऊँगी बस दोनों के लिए, और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। लेकिन मार्केट के हैं तो ये मार्केट वाले तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कैसे बनेंगे वही आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। और बस इसको हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी मैं, हल्का सा मतलब एक दो बूंद ही मैंने ऑयल डाला है, और बस ये जवे को मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करना है, रोस्ट करना है। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, बट ड्राई रोस्ट में क्या होता है ना थोड़े से जले जले से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। तो बस इसे चलाते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये 5 मिनट भी नहीं लगे थे पूरे, और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। और सबका अपना अपना बनाने का अलग अलग तरीका होता है, बट मेरी रेसिपी से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं की है तो। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये नमकीन जवे, और नमकीन सेवैयाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो इन्हें। तो बस यहाँ पे मैंने वापस से सेम कढ़ाई रख दी है, उसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा चटक जाएगा उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ ये मस्टर्ड सीड है, ये मैंने डाल दी है, सरसों के दाने जिन्हें बोलते हैं। आप चाहे तो करी पत्ती भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है। जैसे मैं सिंपल बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने 2 प्याज ली थी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने डाल दी हैं। तो प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्च काटी थी, हरी मिर्च ऐड कर दी है, और थोड़ा सा हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ में। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे थोड़े से मैंने आलू लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इन्हें पकने में। तो बस आलू ऐड कर दिए, उसके बाद यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोज़न मटर, आप चाहे तो ग्रीन वाली जो मटर आती है वो भी डाल सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारी वेजेस आप ऐड कर सकते हो, बीन्स वगैरह जो भी आपको डालना है, गाजर हो गई, लेकिन मैं सिर्फ यही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है जैसे आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, फिर बाकी के हम मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं जैसे ये जल्दी से सॉफ़्ट हो जाएंगे आलू। तो बस मैंने 2 मिनट के लिए ही ढका था, और इतनी जल्दी ये आलू सॉफ़्ट हो गए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटे थे, तो आपको चेक करके दिखा रही हूँ ये। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ा सा टमाटर, आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हो, बट टमाटर अच्छा लगता है इसमें, आप लेमन जूस भी डाल सकते हो टमाटर की जगह एंड में। तो बस टमाटर को थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे रेगुलर मसाले वो मैं ऐड कर रही हूँ जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची थोड़ा सा संभल कर ही डालें, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है, आप टिफ़िन में भी इसे दे सकते हो उन्हें लंच में। तो बस अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को।
तो सभी मसालों को अच्छे से थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 गिलास भर के पानी, और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी, और पानी को हमें बॉईल करना है अभी। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया, आपने देखा। बस पूरा 1 गिलास ही होगा, पहले वाला गिलास जो पूरा भरा हुआ नहीं था तो मैंने ढक दिया था इसे 2 मिनट के लिए, और ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैंने ऐड कर दिए हैं जो हमने जवे को फ्राई करके रखा था ना, रोस्ट करके, वो ऐड कर दिए हैं। बस ज़्यादा चलाना नहीं है, इन्हें ढक करके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, बट अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो एक बार चलाकर मैं इसे फिर से ढक के रख दूँगी, थोड़ी सी गीली भी दिख रही है अभी, और 2 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। तो ये पूरी तरह से अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से हमें इन्हें चलाना है। और ये जितनी दिखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी और हेल्दी भी है। तो आप बच्चों को मैगी की जगह ये नमकीन जवे बना के दे सकते हो। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, और मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले हैं, गरम मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है, बहुत टेस्टी बनी। तो विंटर्स में अगर इस तरह का ब्रेकफास्ट मिल जाए मॉर्निंग में तो फिर मज़ा ही आ जाए ना, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस गर्मा गर्म हम लोग जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए, प्लेट में मैं डाल रही हूँ ये नमकीन सेवैयाँ, और आप सब भी टेस्ट कर लीजिए, बताइए फिर कैसी लगी, ज़रूर बनाइएगा इसको एक बार, और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी बनी। तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो पहले सेवई को बॉईल कर लेते हैं उसके बाद मसालों में डालते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही डाली थी, डायरेक्ट डालने से बहुत अच्छी पकती हैं। तो बस मैंने बाकी की जो बची हुई है उनको ढक करके रख दिया है, लगेगी तो हम लोग बाद में खा लेंगे। तो ये है आज का हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, यम्मी यम्मी। तो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है, मैं अपने लिए एक पैक बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें। मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाला है। तो आपको जैसे ही पता है मुल्तानी मिट्टी हमारे हेयर के लिए और फेस के लिए दोनों के लिए ही अच्छी होती है, तो मैं मुल्तानी मिट्टी में कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गुलाब जल मैंने ऐड किया है, ये डाबर का है गुलाब जल। और आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके लगा सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, इसमें बेसन ऐड कर सकते हो, दही ऐड कर सकते हो, लेमन जूस, मतलब कुछ भी टमाटर यूज़ कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ रोज़ वाटर ऐड किया है, और बस इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो फेस मैंने मॉर्निंग में ही वॉश किया था, और शावर लेने से पहले मैंने ये पैक लगाया था, तो मैं वीक में 1 या 2 बार लगा लेती हूँ अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी वाला पैक। तो बस आज मैं वही लगा रही हूँ, और लगाकर इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने फेस पे लगती हूँ, उसके बाद मैं इसे वॉश कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर अगर आप अपने फेस पे लगाएं तो उसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्किन हमारी खिंचने लग जाती है। तो मैं हल्का सा ही गीला रहता है उस टाइम पर ही मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, मतलब घड़ी में देख करके मैं इसे 5 मिनट के लिए ही लगाती हूँ बस। तो बस इस तरह से मैं ब्रश से लगा रही हूँ, और उसके बाद वॉश कर लूँगी। तो बस गाइस दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बैंगन लिए हैं, देख करके आप समझ गए होंगे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगन को अच्छे से धो लिया था मैंने, और थोड़ी देर पहले ही रख दिया था, तो अच्छे से सूख चुके हैं, मैंने गैस पे रख दिया है, और इसे अच्छे से हमें जलाना है, मतलब पूरा काला कर देना है, तभी ये अच्छे से भुनता है अंदर तक। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी वाला बैंगन का भरता, और किस किस को पसंद है बैंगन का भरता, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी, तो बस बहुत दिनों के बाद ही बना रही हूँ आज मैं। और ये अच्छे से भुन चुके हैं, इसके बाद मैंने इन्हें प्लेट में निकाल दिया है, ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इन्हें पील करेंगे।
तो मैं ना सूखा वाला बना रही हूँ, जो सूखा होता है ना, एक होता है पतला वाला जो गर्मियों में ज़्यादातर बनाया जाता है, बट अभी तो मैं सूखा वाला बना रही हूँ, टमाटर प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के। तो चॉपिंग तो मैंने कर ली है, जब तक ये बैंगन ठंडे हो रहे थे तो ये बैंगन ठंडे हो चुके हैं, तो उसके बाद अब मैंने पील कर देती हूँ। ये जो काला काला पूरा हुआ है ना, ये हमें पूरी तरह से निकाल देना है, डंठल भी इसका निकाल देंगे। तो ये देखिए अच्छे से पील कर ली है मैंने, और अभी इन्हें चाकू की हेल्प से ही मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट हो चुके हैं, ये भुन चुका है पूरी तरह से बैंगन, और बस बिल्कुल देसी स्टाइल वाला बैंगन का भरता बना रही हूँ। वैसे तो इसे गांव में जो होते हैं ना हमारे घर पे, तो जो आगी वगैरह जलती है ना उसमें ही भुना जाता है, तो उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा डाला है मैंने ज़ीरा। उसके बाद ऐड कर दूँगी 2 बारीक कटी हुई प्याज, और 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, तो वो भी मैंने बारीक काट के डाल दी है। बस थोड़ी सी गुलाबी होने तक हमें इसे फ्राई करना है प्याज को, उसके बाद ऐड करेंगे बाकी की सारी चीज़ें। तो प्याज हल्की सी भुन गई है, अब मैंने यहाँ पे ऐड की है 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इसने भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे बारीक कटे हुए 2 टमाटर, तो टमाटर थोड़े से भुन चुके हैं, मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके बाद फिर सारे मसाले ऐड करेंगे। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं पहले, तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मटर भी डाल सकते थे टमाटर के साथ में, बट मैंने नहीं डाली है। अब मैं ऐड कर रही हूँ मसाले, तो हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद जो हमने बैंगन को पील करके रखा था ना, बस वो ऐड कर देंगे। तो भरता थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा सा इसे अभी बॉईल होने देंगे, इसलिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी पूरी तरह से सूख जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया है सब्जी के अकॉर्डिंग, जितनी सब्जी उस हिसाब से डाल दिया है नमक, और बस इसे थोड़ी देर के लिए पहले बनने देते हैं। अच्छे से ये देखिए बन चुका है, अब मैं ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि बहुत ज़रूरी है भरते में, इससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर धनिया ऐड कर दिया है, बस ये भरता जो है वो रेडी हो गया है। तो ये है आज का हमारा लंच, बैंगन का भरता और गर्मा गर्म रोटी है, और इस रोटियों से अगर बहुत अच्छे से घी लगा के खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम करारी करारी चपातियाँ बनाई है मैंने। ये हस्बैंड जी के लिए थाली है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बिंदी कैसी लग रही है? ओके। कैसी लग रही है गाइस बिंदी? आप में से किसी ने बोला था कि दीदी रेड कलर की बिंदी लगाना, वो भी बड़ी लगाना, तो आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है थोड़ी सी, और रेड कलर की लगाई है, अच्छी लग रही है ना। और मैं जस्ट अभी अपनी थ्रेडिंग जो है करवा के आई हूँ, तो अब फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, बहुत बेकार जंगली सा लगने लग जाता है नहीं करवाते हैं तो। मैंने आई थिंक करवा चौथ के टाइम पे करवाई थी, करवा चौथ से अब करवाई है, दिवाली पे भी नहीं करवाई थी। और गाइज आज की डेट है 20 नवंबर, और आज है वेडनेसडे, तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, सुबह से मैंने आपसे बात नहीं की इसके लिए सॉरी। और हमने सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट में बनाई थी नमकीन जवे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे पास में कि जवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली मैंने इनसे पहले भी मंगवाई थी जवे, तो ये क्या है बारीक वाले लेके आ गए थे, तो उसका नमकीन नहीं बना सकते थे, नमकीन जवे नहीं बनते, और तो मैंने उसकी खीर बना दी थी, आपके साथ शेयर किया था ना मैंने जब छोले भटूरे बनाए थे, तो मैंने उसकी खीर बना दी थी, वो खीर की ही लिए थी, वो बहुत जो बारीक होती है ना वो उसकी खीर ही बनती है, और जो नमकीन जवे बनते हैं ना उसके लिए थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। वैसे तो ये हमारे यहाँ पे सेवैयाँ बोलते हैं इनको, तो ये हमारे घर पे ही बनती हैं, इसके लिए मशीन होती है जिसे ऐसे ऐसे बहुत ताकत लगती है, ऐसे चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मशीन नहीं है, तो फिर मैं मार्केट से लेके आई थी, कल इनके साथ गई थी तो ले आई थी पैकेट में,
तो आज आपके साथ शेयर की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना। और इतने अच्छे बने थे, इतने खिले खिले, इतने टेस्टी बने थे गाइज, एक बार ट्राई जरूर करना। हम लोग जो घर की सेवैयाँ होती ना उनको भी ऐसे ही बनाते हैं, और मार्केट की मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं वही वैसी बनाती हूँ जैसे मैं अपनी घर वाली बनाती थी, तो बहुत अच्छी बनी थी सच में, खाने में बहुत ही गजब। आप अपने हिसाब से बहुत सारी वेजिटेबल वगैरह डाल के बना सकते हो। और आज मैंने लंच में बनाया था बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सर्दियों में होता है ना हमारा डेली कोई ना कोई हैवी खाना हो ही जाता है, पराठे स्टफ पराठे वगैरह। तो कल भी मैं पराठे बनाने की सोच रही हूँ, तो इसलिए मैंने आज एकदम सिंपल लंच बनाया था, सिर्फ बैंगन का भरता। बहुत दिन से मुझे बैंगन का भरता खाना था, और बैंगन मैं लेके भी आई थी स्पेशली भरते के लिए, तो आज जाके मैंने सोचा कि बैंगन का भरता ही बनाते हैं बस, तो बस वही मैंने सिर्फ बनाया था। तो आज हम लोगों ने बैंगन का भरता और चपाती खाई थी गर्मा गर्म। तो गाइस मेरा, जैसे कि मेरा बर्थडे आने वाला है 9 दिसंबर को, मैंने आपको बताया था, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जिनका बर्थडे भी आने वाला है मेरे साथ साथ नवंबर एंड दिसंबर में। तो जिन जिन के भी आने वाले हैं उनका नाम मैंने नोट कर लिया है, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जिन जिनके भी मैं नहीं ले पाऊँ, क्योंकि जितने के मेरे पास नाम आए हैं उतनों को भी मैंने नोट कर लिए हैं, और जिनके भी रह जाएँ तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नवंबर और दिसंबर में और किन किन के बर्थडे आने वाले हैं, आप लोगों को भी विश कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सबके नाम जो है नोट कर लिए हैं, तो चलिए सबको मैं विश करती हूँ नंबर बाय नंबर से, क्योंकि आप लोगों ने भी तो मुझे एडवांस में विश कर दिया है मेरा बर्थडे आने वाला है इसलिए। तो गाइस सबसे पहला जो नाम है वो है दीप्ति मिश्रा जी के बेटे हैं आकाश मिश्रा जी, उनका बर्थडे है 23 नवंबर को। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, आप खुश रहो, हमेशा हेल्दी रहो और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। नेक्स्ट है नीलम चौहान जी, इनका बर्थडे है 26 नवंबर को, तो हैप्पी बर्थडे नीलम जी। और उनको, उन्होंने मुझसे बोला कि आप नीलू भी बोल सकते हो, जी हाँ, जिनका नाम नीलम होता है, जैसे मेरा नाम अंजलि है तो शॉर्ट नेम मेरा अंजू भी है, तो ऐसे ही नाम होते हैं, तो वो बोल रही थी कि नीलू भी बोल सकते हो। ओके, मैं नीलम नीलू दोनों ही नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट है गाइस सुमन वर्मा जी, इनका बर्थडे है 10 दिसंबर को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू सुमन जी। और नेक्स्ट है पाखी शर्मा जी, इनका बर्थडे है 3 दिसंबर को, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड नेक्स्ट है अर्पिता यादव जी, इनका बर्थडे है 8 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को इनकी एनिवर्सरी भी है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड नेक्स्ट है अंशदीप सिंह जी, इनका बर्थडे है 16 दिसंबर को, हैप्पी बर्थडे टू यू एडवांस में। और नेक्स्ट है रंजना श्रीवास्तव जी, इनका बर्थडे है 23 दिसंबर को, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेहा शर्मा जी का बर्थडे है 21 नवंबर को, हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा जी। एंड नेक्स्ट है गाइस कमल हंस जी के बेटे हैं ये, एहसास हंस जी का बर्थडे है 22 नवंबर को, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, आप खुश रहो, हेल्दी रहो, लाइफ में खूब आगे जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, भगवान आपको सारी खुशियां दें। रीना दीक्षित जी ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी कमेंट करने के लिए। एंड नेक्स्ट हैं शिल्पा वानखेड़े जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है मित्तल परमार जी जो कि गुजरात से हैं, और थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। इसी तरह से अपना खूब सारा प्यार देते रहिए और खुश रहिए, आप सब भी मेरी तरह, मैं भी खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। और गाइस 28 नवंबर को रिंकन गुप्ता जी की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर है कोशिश जी, उनके बेटे का आज बर्थडे है विशाल का, और आज 20 नवंबर है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करना, और भगवान आपको खूब सारी खुशियां दें। तो बस चलिए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएगा। और जिन जिनका भी बर्थडे आने वाला है, जिसके मैंने नाम ले लिए हैं उनको छोड़ करके जिनके बर्थडे आने वाले हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको भी विश कर दूंगी एडवांस में। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपने अगर अभी तक मेरे हस्बैंड जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टारगेट एजुकेशन हब को, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे भी नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू टू ऑल, बाय।